हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में। ये ज्वेलरी का आईपीओ है, काफी टाइम बाद कोई ज्वेलरी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है एंड काफी बड़ी कंपनी है ये। काफी एंटिसिपेटेड आईपीओ होने वाला है इसका, जल्दी आने वाला आईपीओ। इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल्याण ज्वेलर्स है क्या? बेसिकली लीडर्स है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में डायमंड एंड ज्वेलरीज के, एंड इनके बहुत ही बड़े बड़े एड्स आपने देखे होंगे काफी जगह पे, एंड काफी ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर्स इनके फेमस ब्रांड एम्बेसडर्स को लेते हैं हमेशा, जैसे कि अमिताभ बच्चन को भी इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर एंड अपने प्रमोशंस के लिए रखा है। कंपनी की बात करें तो उसके 200 से ज्यादा आउटलेट हैं एंड 45 ईयर्स का रिटेल का एक्सपीरियंस है कल्याण ज्वेलर्स को। हाँ, तो कंपनी के फाइनेंस की बात करें तो 2019 मार्च में कंपनी ने बेसिकली 9,800 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करा था, जो कि साल मार्च 2020 के अंदर इनका रेवेन्यू बढ़कर हो गया 10,100 करोड़ का। और बात करें प्रॉफिट की तो 2019 मार्च में इनको लॉस हुआ था करीब 4 करोड़ का, और ईयर 2020 के अंदर इनको प्रॉफिट हुआ 140 करोड़ का पूरे साल में। तो अगर बात करें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो कल्याण रमन जो इसके ओनर है वो ओन करते हैं 27% एंड उनके दो बेटे ओन करते हैं 22% ईच। साथ ही में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ऑर्बग पिनकस, जो कि ओन करती है 24% एंड उन्होंने इन्वेस्ट करे थे 2700 करोड़ रुपए 24% ओन करने के लिए। बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ निकलने वाला है 1,750 करोड़ का एंड एनालिस्ट का मानना है कि ये बहुत ही बढ़िया आईपीओ होने वाला है। आजकल हम देख रहे हैं आईपीओ सारे के सारे काफी अच्छे निकल रहे हैं, बर्गर किंग का या वेक्टर का ले लो, किसी का भी आईपीओ ले लो, ओवर सब्सक्राइब जाता है एंड बर्गर किंग के आईपीओ ने तो रिटर्न भी बहुत ही बम्पर दिया है। तो बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो इसका वैसे ही एनालिस्ट बोल रहे हैं कि काफी एंटिसिपेटेड है, तो ये भी बहुत अच्छा जा सकता है आईपीओ। अब बात करेंगे तो 1,750 करोड़ जो है वो कैसे डिवाइड हुए हैं, जिसमें से 1,000 करोड़ तो फ्रेश इक्विटी होगी एंड 750 करोड़ ऑफर टू सेल होगा, जिसमें अब प्रमोटर्स अपने स्टेक बेचेंगे बेसिकली 750 करोड़ का। सेबी ने 15 अक्टूबर को आईपीओ की मंजूरी दे दी थी कल्याण ज्वेलर्स को, लेकिन अभी तक आईपीओ की कोई डेट नहीं आई है, लेकिन कहना है प्रमोटर्स ग्रुप का कि ये जल्द ही आईपीओ निकलेगा, बट कोई स्पेसिफिक डेट नहीं अनाउंस करी अभी तक। और जब ये सारी डिटेल आईपीओ की निकल के आएगी, डेट एंड लॉट साइज एंड कितने प्राइस का एक शेयर होगा, ये सारी जब डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा किस डेट को क्या होगा, और जैसे जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अकोमोडेट करके बताते रहूंगा। तो ये थी कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल्स। आगे चल के जैसे भी डेट फाइनलाइज होगी, जो भी प्राइस फाइनलाइज होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप, कहां से अप्लाई कर सकते हो, ये सारी डिटेल भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको देते रहूंगा। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।